दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स आप लोगों को दिखाए उन सभी में मैंने आपको बताया था कि कौन से लोकेशन पे पैसा बढ़ेगा, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है। लेकिन आज का प्रोजेक्ट है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो प्रोजेक्ट है वो रेंट पर अगर आपको प्रॉपर्टी लेने के बाद देना है तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि इस लोकेशन पर ये जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई है उस कंपनी का अपना खुद का एक रेंटल का डिपार्टमेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले रहे हो प्रॉपर्टी, या फिर आपको शिफ्ट होना नहीं है, प्रॉपर्टी लेके रखनी है, तो रख के तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो रेंट पे देने से फ़ायदा होगा। तो इस कंपनी ने जिनका ये प्रोजेक्ट है उन्होंने अपना रेंटल का एक डिपार्टमेंट बनाया है जहाँ पर आप आपकी कीज़ पोजीशन मिलने के बाद दे सकते हैं और आपके भी आपसे वही कंपनी उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आर्यन सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड का प्रोजेक्ट दिखाया था, तलोजा लोकेशन का। प्रोजेक्ट का नाम था आर्यन अनायका, लेकिन आज हम इनका अरियंत का ही अरियंत अलुकी नाम का प्रोजेक्ट देखने वाले। प्रोजेक्ट का लोकेशन करजत है। दोस्तों अक्सर जब हम करजत जैसे लोकेशन का नाम सुनते हैं तो लोगों के मन में ट्रैवलिंग रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट का लोकेशन इतना अच्छा है दोस्तों कि आप देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पर ही पीछे एसटी डेपो है जो नवी मुंबई से आप इजीली एक्सेस यहाँ पर कर सकते हैं। करजत रेलवे स्टेशन जो है यहाँ से सिर्फ 6 से 7 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पर है। इसके अलावा अगर मैं करजत के बारे में आपको डिटेल्स दूँ तो हम सभी को पता है करजत बहुत पहले से ही एडुकेशन हब रहा है। जो भी नामचीन कॉलेजेस है, स्कूल्स है, वो सारे करजत में मिल ही जाते हैं। और करजत एक ऐसा लोकेशन है दोस्तों जो लोकेशन आप नवी मुंबई से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मुंबई से एक्सेस कर सकते हैं। मुंबई से यहाँ पर ट्रैवल करना भी बहुत ईजी है। करजत तक तो लोकल ट्रेन आती है और स्टेशन पे उतरने के बाद 6 से 7 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पर ये प्रोजेक्ट है। दूसरा, अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो और आपको मुंबई की तरफ इन्वेस्टमेंट भी करना है तो ये लोकेशन आपके लिए सजेस्टेबल है, क्योंकि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को भी आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये लोकेशन काफ़ी अच्छा है दोस्तों। प्रोजेक्ट की भी मैं सारी डिटेल्स देने वाला हूँ, साथ में बने रहिएगा। अरिहंत का नाम सुना था, क्योंकि अरिहंत के बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत सी जगह है। उनका डोंबिवली में है, फिर कल्याण में है, फिर बाद में एक दो तीन बदलापुर में है, शायद अभी पलस पे में है, पलस पे फाटे पे है। तो ये मैंने बेसिकली सेकंड होम करके ही लिया था कि मुंबई में रहता हूँ तो मुंबई से थोड़ा बाहर जाने का, ज़्यादा लंबा भी नहीं, और या सो डेस्टिनेशन के लिए जाएंगे तो फिर हिल स्टेशन के लिए जाएंगे तो फिर लोनावला जाते हैं, खंडाला जाते हैं, महाबलेश्वर जाते हैं, लेकिन मुंबई से वो बहुत लंबा रहता है। तो हमारे लिए करजत विद इन 2 आवर्स ड्राइव, दो घंटे में आ सकते हैं कार से। लेकिन बुक करने के समय ऐसा ही था कि मेरा एक थोड़ा प्रॉपर्टी होना चाहिए मुंबई के बाहर, तो इसीलिए मैंने अरिहंत में ले लिया। अरिहंत का नाम था इसीलिए अरिहंत अलोकी। ये प्रोजेक्ट जो है टोटल 6.5 एकड़ में डेवलप हुआ है। 8 बिल्डिंग इसमें टोटल डेवलप होने वाली, जिसमें से 3 बिल्डिंग का ऑलरेडी पोजीशन दे दिया है, 4th बिल्डिंग का पोजीशन आने वाले दिसंबर या जनवरी में मिलने वाला है। लेकिन अभी जो भी बुकिंग्स ओपन हुई है, आप मेरे पीछे देख सकते हो जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके लिए अभी बुकिंग्स ओपन हुई है। 1 BHK और 2 BHK इसमें अभी अवेलेबल है, जिसमें आप बुक करवा सकते हैं। दोस्तों जब भी 6.5 एकड़ जैसे बड़े लैंड पर प्रोजेक्ट्स डेवलप होते हैं तो लोगों को वो कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा होगा, या फिर कंपैरिजन करने नहीं मिलता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखने नहीं मिलती, या फिर क्या होता है वहीं पर एक छोटा सा सैंपल फ्लैट बनाया जाता है, सैंपल फ्लैट देखे फ्लैट कैसा डिलीवर्ड होगा वो तो अंदाज़ा आ जाता है, लेकिन बिल्डिंग कैसी बनेगी इसका अंदाज़ा आ पाता नहीं है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में वैसा नहीं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 बिल्डिंग का ऑलरेडी पोजीशन दे दिया, लोग रहने भी आ गए। अभी अरिहंत है तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे तो कोई डाउट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कंपेयर करना है या फिर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करनी है तो पूरी बिल्डिंग यहाँ पर रेडी हो चुकी है, लोग भी रहने आए। अगर आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर बुक करनी है तो आप ये पहले देख सकते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टी लेने के ना 2 ही थंब रूल होते हैं, या तो इजी टू एक्सेस होना चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए, या तो फिर नेचुरली सराउंडेड चाहिए। लेकिन ये दोस्तों लोकेशन ऐसा है ना कि कनेक्टिविटी तो इजी है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि इजी टू एक्सेस है, पुणे वाले लोगों के लिए भी आसान है एक्सेस करने के लिए, नवी मुंबई वाले के लोगों के लिए भी आसान है एक्सेस करने के लिए, और मुंबई वालों के लिए भी है। लेकिन नेचुरली इतना अच्छा सराउंडेड है, आप सामने की तरफ देख सकते हो, हिल व्यू यहाँ से मिल जाएगा,
और हिल व्यू के बाद यहाँ पर अगर इस तरफ आप देखते हो तो दूर दूर तक आप करजतपुरा यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर आगे कुछ डिस्टेंस पर रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन आप नज़ारा एक बार देख लीजिए। मैं यहाँ प्रॉपर्टी लेने के पहले करजत का चारों जो बॉर्डर्स है वो सर्च किया था प्रॉपर्टी के लिए, मुझे जब लेना था ऑल द आउटस्कर्ट्स ऑफ करजत, मगर बाद में मुझे यही ठीक लगा, देन आई इमीजिएटली बुक। मेन स्टेशन से भी नज़दीक है, लोकेशन भी अच्छा है, और वो टाइप का मैं करजत में पर्टिकुलरली ऑल द साइड्स ऑफ करजत में ढूंढा, मुझे मिला नहीं। भाई आप अरियन का प्रोजेक्ट है तो एमिनिटीज़ तो डेफिनेटली मिलने वाली है। तो क्या क्या एमिनिटीज़ मिलने वाली है? तो जिम, गार्डन, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, और इसके साथ में सीसीटीवी सर्विलेंस भी इस प्रोजेक्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट के लिए मेरे दिल से रिस्पेक्ट निकलती है जो प्रोजेक्ट सोलर पैनल प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे अरियन का ये अफोर्डेबल हाउसेस का प्रोजेक्ट है और इसमें भी वैसा ही किया, बिल्डिंग के टॉप पर सोलर पैनल इंस्टॉल किए, जिन सोलर पैनल के जरिए सभी घरों में गर्म पानी प्रोवाइड किया जाता है। अक्सर क्या होता है जब हम सैंपल फ्लैट वीडियो में दिखाते हैं तो लोगों को अंदाज़ा नहीं आ पाता है कि एक्चुअल फ्लैट उनको कैसा मिलने वाला है। तो इस बार मैंने सोचा कि जो फ्लैट फ्यूचर में आप बुक करने वाले हैं वही फ्लैट आपको दिखा दूँ। तो ये लिविंग रूम साइज़ है दोस्तों, जहाँ से मैंने अभी एंटर किया तो वो रूम पैसेज था जिसका साइज़ 3x6 है। लिविंग रूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 11.6x9 का लिविंग रूम का साइज़ है। इस तरफ हम किचन भी है, किचन का भी एरिया अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो 7x7.3 का किचन का एरिया इस तरफ प्लेटफॉर्म यहाँ पर आने वाला है। इसके बाहर हमें थोड़ा सा एफबी एरिया यूज़ करने मिल जाता है, आप सामने की तरफ देख सकते हो, यहाँ पर आपको रेलिंग भी आ जाएगा, 2-3 फीट के आसपास इसमें रेलिंग मिलता है। इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये बाथरूम के लिए। बाथरूम की साइज़ की अगर हम बात करें तो 5x4 बाथरूम का साइज़ है। बाथरूम के ही बाजू में पैरेलल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये टॉयलेट के लिए स्पेस है, टॉयलेट की जो साइज़ है वो 5x3 है। और यहाँ से अगर हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते तो फाइनली हम बेडरूम में पहुँच चुके हैं। ये हमारा बेडरूम का पोर्शन है। बेडरूम की साइज़ की अगर बात करें तो 9x9 बेडरूम की साइज़ है, लेकिन बेडरूम के बाहर भी हमें छोटा एबी एरिया यूज़ करने मिल जाता है, अप टू 3 फीट तक यहाँ पर रेलिंग मिलेगा। लेकिन करजत जिस बात के लिए फेमस है वो आप सामने देख सकते हो, यहाँ से आपको हिल व्यू मिलने वाला है। नेचुरली सराउंडेड करजत है और इसी के लिए करजत फेमस है, और वही व्यू आपको इस बेडरूम के बालकनी से मिलने वाला है। तो इसके बाद दोस्तों आपको मैं सैंपल फ्लैट भी दिखाने वाला हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लैट था वो इसके लिए दिखाया कि आपको एक्चुअल में फ्लैट कैसा बनेगा वो थोड़ा आइडिया आ सके, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसे मिलेगी, फाइनल फिनिशिंग आपको कैसा मिलेगा वो आपको मैं सैंपल फ्लैट में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी हम जो है अरियन अलोकी का जो फर्स्ट बिल्डिंग है जिसका ऑलरेडी पोजीशन दे दिया है, लेकिन उसमें एक फ्लैट रेडी था तो मैंने सोचा आपके साथ वो फ्लैट कैसा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलेगा वो आपके साथ शेयर करूं। तो आप देख सकते हो कुछ इसी तरह का फिनिशिंग और क्वालिटी प्रोवाइड किए जाने वाली है। ये सब तो अभी सिर्फ डिस्प्ले के लिए, ऐसा कोई डेकोरेशन मिलने वाला नहीं है, बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको सेम मिलेगी। जैसा मैंने एबी एरिया बोला था आपको और बाहर रेलिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था कि अप टू 3 फीट तक का रेलिंग मिलता है, तो ये सभी पहले वाले प्रोजेक्ट में भी मिलने वाला है। किचन की तरफ इस तरफ अगर हम चलते हैं तो स्पेशली मैं आपको टॉयलेट बाथरूम भी दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अप टू बीम लेवल तक इसमें टाइल्स यूज़ की जाती है। एक तरफ इसमें जो होता है डिज़ाइनर टाइल्स यूज़ किया जाता है। जो भी सारी फिटिंग्स इसमें यूज़ की जाती है वो सारी ब्रांडेड होती है। उसके अगर आप आगे देखते हैं यहाँ पर तो देख सकते हैं इसमें भी अप टू बीम लेवल तक टाइल्स का ही यूज़ किया जाता है। फिटिंग इसमें भी जो भी सारी आती है वो सारी ब्रांडेड फिटिंग ही आती है।
किचन का स्पेशली मैं आपको बताऊं, इसमें जितने भी किचन है, फिर चाहे वो 1 BHK हो, फिर चाहे वो 2 BHK हो, इसमें इस तरह के 2 प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं और जो टाइल्स यहाँ पर यूज़ की जाती है वो पूरे किचन में टाइल्स यूज़ की जाती है अप टू बीम लेवल तक। तो सामने की तरफ हम बेडरूम भी देख लेते हैं, तो बेडरूम आप देख सकते हैं सेम इसी टाइप का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अगर स्पेशली मैं साइड में बताऊँ तो यहाँ पर स्कटिंग भी यूज़ की जाती है। जनरली यहाँ पर अगर हम कुछ चेयर या टूल्स वगैरह रख लेते हैं तो उससे वॉल ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए स्कटिंग भी प्रोवाइड की जाती है। फ्रेंच विंडो का भी जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये आप देख सकते हो पाउडर कोटेड फ्रेंच विंडो यूज़ की जाती है। बाहर की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी हमें AB एरिया यूज़ करने मिल जाता है। तो कुछ इसी तरह का कंस्ट्रक्शन हमें पूरे प्रॉपर्टी में मिलने वाला है दोस्तों। मैं तो लोगों को एक सजेस्ट करूँगा, जिनको सुकून की ज़िंदगी चाहिए वो ज़रूर यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ पे एकदम काम एंड क्वाइट लाइफ है। तो इधर आके आदमी को सुकून मिल जाता है, वो भाग दौड़ की ज़िंदगी जो है ना मुंबई की, उससे थोड़ा आदमी दूर आ जाता है और सुकून मिलता है उसको। तो आई विल सर्टनली सजेस्ट स्पेशली द पीपल हु आर रिटायर्ड एंड दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट, आई मीन दे वॉन्ट टू पुट देयर मनी इन सम प्रॉपर्टी, सर्टनली दे शुड गो टू अरिहंत। And I think Arihant is that much capable to give good returns of their money. Prices की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1 BHK जो है वो 390 usable carpet area का है, जिसकी price 22 lakh rupees plus taxes है। 2 BHK की अगर हम बात करें तो उसमें 590 usable carpet area है, जिसकी price है वो 34 lakh rupees plus taxes है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।